गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्थ चैप्टर ऑफ मॉरल वैल्यू, द बेस्ट चाइल्ड। सबसे अच्छा बच्चा या बच्ची, इसका मतलब होता है। अब मॉरल वैल्यू क्या है? ट्रू एजुकेशन। ट्रू एजुकेशन का मतलब होता है सच्ची शिक्षा। व्हाट इज द मॉरल वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर? इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। कहा जाता है कि ज्ञान और अच्छे संस्कार के साथ अगर कोई आदमी ट्रू एजुकेशन ले रहा है, सच्ची शिक्षा ले रहा है या पढ़ रहा है, तो उसको वही लक्ष्य, वो उसी का लक्ष्य कहा जाता है सच्चे एजुकेशन का। ठीक है। द ट्रू एजुकेशन इज अवेकिंग टू द ट्रूथ ऑफ द लव। इट इज टीचिंग वन टू बी वर्चुअस इन ए एक्शन। नाउ ट्रू सच्ची शिक्षा जगाता है सच्चा प्यार। ठीक है। और सिखाता है कि नेक कैसे रहने का, पवित्र कैसे रखने का, अपने कामों में किसी से धोखेबाजी नहीं करने का, किसी से गलत व्यवहार नहीं करने का। हियर इट इज सेइंग द मॉरल वैल्यू ओवर देयर। नाउ हियर इज अ चेक मीटर ओवर देयर ट्रू एजुकेशन। यू हैव टू डू इट विथ योर सेल्फ आफ्टर द कम्प्लीटेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन बाय मी। आई हैव डन दिस वन। यू हैव टू थिंक ओवर देयर वॉट इज द ट्रू एजुकेशन मीन्स। आई हैव डन विक्विड विथ एल माइनर, देन वॉट इज द बेटरमेंट ऑफ mankind in the whole world and in this world, whole world it is written all the point over there with the point of view you have to take over there. Okay. And you should do it with yourself after the explanation of this chapter. I am not going to read this chapter over there. I am going to just explain in Hindi all the paragraph what is written over there. There is a village name called Bandipur के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ एक विलेज है बंदीपुर का। उसको माना जाता था एकदम साधारण जीवन के लिए। फिर वहाँ के लोग जो बंदीपुर में रहते थे, विलेजर्स, एकदम सरल जीवन जीते थे। लेकिन कुछ कारण वो प्रभावित हुए शहर की लाइफस्टाइल से, जीवन शैली से, जो उनके नज़दीक शहर था। ठीक है। वही एक विलेज नहीं था, दूसरा भी विलेजेस वाले भी, अदर विलेजेस लिखा गया है, तो अदर विलेजेस भी प्रभावित हुए। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड पैराग्राफ। पीलाघाट एक कॉमन जगह थी, मतलब कि कॉमन मीटिंग प्लेस था कहा गया है। मतलब वहाँ पे अक्सर औरतें आती थी पीलाघाट के। पीलाघाट बंदीपुर में था, बंदीपुर गांव में, जहाँ औरतें आती थी कपड़ा धोने के लिए। हर सुबह, भोर सुबह में आती थी कपड़ा धोने के लिए। वहाँ पे इकट्ठा होती थी और अपने कपड़ा धोती थी, अपने लोगों का कपड़ा धोती थी, और वो सब एक साथ कपड़े धोते थे और यहाँ वहाँ की बातें करते थे। ठीक है। वहाँ पे एक हॉट टॉपिक था। हॉट टॉपिक मतलब एक विषय बन गया था। वो एक विषय के बारे में वो सब बात करते थे, चर्चा कर होने लगी थी कि एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो शहर में था उनके नज़दीक, वो एक विषय बन गया था। ठीक है। तो सभी लोग उसके बारे में बात करते थे कि वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे सीखते हैं वहाँ से। तो मैं बहुत सारे जो विलेजेस में रहते थे, गांव में रहते थे, वो अपने बच्चों को भेजते थे वहाँ पढ़ने के लिए। ठीक है। जब उनके बच्चे वापस आते थे तो तरह तरह की 100 बातें बताते थे उस सिटी के बारे में। ठीक है। यर इट इज़ रिटन ओवर द 100 टेल्स ऑफ द सिटी। दे वुड
हैव हंड्रेड ऑफ टेल्स ऑफ द सिटीज, मतलब हंड्रेड ऑफ टेल्स सौ तरह की बातें बताते थे उधर अपने स्कूल के बारे में, वहाँ की पढ़ाई के बारे में, शहर के बारे में, शहर कितना सुंदर है, ठीक है। और वहाँ की औरतें बहुत शान से बातें एक दूसरे औरतों को बताती थी कि मेरा बेटा आज कुछ नया और बहुत अलग चीज़ सीख के आया है स्कूल से, ग्रहण करके आया है स्कूल से, ठीक है। एक सुबह तीन औरतें जो एक ही ब्लॉक में रहती थी, विलेजेस के वार्ड में वो कहा जाता है या ब्लॉक कहा जाता है सेम, तो वहाँ इकट्ठा हुए पीला घाट पे अपना डेली कोर्स करने के लिए, डेली कपड़ा धोने का काम करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे लक्ष्मी नाम की जो औरत थी उसका लड़का आया था पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद गांव में, ठीक है। वो एक विषय बन गया था वहाँ पे बात करने के लिए, सभी लोग उसके बात करते थे गांव में। तो लक्ष्मी ने बहुत बढ़ चढ़ के बता रहे थे अपने बेटे के बारे में, बता रहे थे कि मैं कुछ तुमसे बताना चाहती हूँ कि तुम मानोगे नहीं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा स्विमिंग सीख के आया है स्कूल से और वो वहाँ पे चैम्पियन है। तो मीरा ने चिल्ला कर कहा, सच्ची में ये तो गजब की बात है, ठीक है। फिर इन द नेक्स्ट पैराग्राफ आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। लक्ष्मी एक्सक्लेम्ड, लक्ष्मी फिर से चिल्लाई कि कहा, मेरे बेटे ने सच अपने गांव का नाम रोशन किया है, कि हमारे गांव का नाम रोशन किया है, हम अपना सर, हमारा मतलब गांव के लोगों का सर ऊंचा कर दिया है मेरे बेटे के अचीवमेंट से, जो उसने बेटे ने सीखा है। तो शी इज ट्राइंग टू से दैट ही हर चाइल्ड हैज लर्न वेरी गुड स्विमिंग एंड इट इज हर सन अचीवमेंट दैट मेड द विलेज प्राउड। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर देयर। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ तब मीरा की बारी आई तो उसने झट से बीच में बोला लक्ष्मी के और चिल्लाकर कहा कि मेरा बेटा तो स्कूल में फर्स्ट आया है, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं पूरे गांव में। हाँ, तो उसने कहा तुमको पता है प्रधान जी ने भी अनाउंसमेंट किया है कि घोषणा की कि अवार्ड फंक्शन में उसके बेटे का सम्मान करेंगे। उसके बेटे ने सच्ची में गांव का नाम रोशन किया है। तो लक्ष्मी स्मृत एट ए मीरा रिमार्क एंड आस्क, मतलब स्मृत मतलब लक्ष्मी स्मृत मतलब उसको जलन जैसी फीलिंग होने लगी। तो थर्ड वुमेन अबाउट हर सन एंड आस्क स्मृत मतलब कि शी वॉज वेरी ईगर टू नो अबाउट द थर्ड वुमन चाइल्ड, हर नेम वॉज शमा। वेन मीरा ने जब अपने बच्चे के बारे में बताया तो उसने शमा से कहा कि तुम भी अपने बच्चे के बारे में बताओ। तो शमा ने कहा कि कोई ख़ास बात नहीं है मेरे बेटे में, शी इज ट्राइंग टू टेल दैट, कहा कि वो और उसका पति दिन रात मेहनत करते हैं जीवन चलाने के लिए, ठीक है, और अपने बच्चों को गांव के ही स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। वो मुस्कुराई और उसने कहा कि मेरा बच्चा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, वो कहा कि एकदम सिंपल है, वो हम प्रयत्न करते हैं कि उसको अच्छे से अच्छा शिक्षा मिले और वो अच्छे संस्कार सीखे,
और आशा करते हैं कि एक अच्छा नागरिक बने जब वो बड़ा होगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट पैराग्राफ कहा कि तो लक्ष्मी और मीरा एक दूसरे से बात कर रहे हुए, मतलब कि आप चुपके से धीरे से एक दूसरे से बात कर रही है, मजाक उड़ा रही है चमा के बात का। और फिर उनका काम जैसे ही ख़त्म हुआ वॉशिंग का, कपड़े धोने का, जब वो वापस जा रही थी घर पे कैरिंग द हैवी लोड, कैरिंग द हैवी लोड मतलब जो कपड़ा धो के वो लेके जा रही बहुत भारी था। जब वो बाहर आई घाट के बाहर, उन्होंने रवि को देखा, जो रवि लक्ष्मी सन लक्ष्मी का लड़का था। तो लक्ष्मी ने उसे बुलाया और बोला कि मेरे दोस्तों से मिलो और लोड उठाओ, रवि कम ही है, रवि ही है, मतलब चिल्ला के ए रवि इधर आओ। तो रवि ने जवाब दिया, कहा कि माँ मुझे जाना है और मुझे कुछ दोस्तों से मिलना है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा। और वो उन्हें बिना देखे अपनी वो अपनी माँ को बिना देखे चला गया और लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। ठीक है, हाँ ठीक है। नाउ इन द व्हाट द पैराग्राफ इज सेइंग वी विल रीड, वी विल सी, आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ओनली। हाँ, तो जैसे वो चला गया तो वो तीनों औरतें अपने रास्ते पर जा रही थी, तो उन्हें विनोद मिला जो मीरा का लड़का था, बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे अपने कुछ दोस्तों के साथ। फिर वो खुद ही बोल रहा था कि वो बता रहा था कि आज मुझे मेरे प्रिंसिपल ने मेरी प्रशंसा की और टीचर भी बहुत गर्व थे मेरे पे। वो अपनी प्रशंसा खुद ही करते जा रहा था ताकि उसकी माँ उसे नोटिस करे, उसकी बात पे ध्यान दे। ठीक है, तो मीरा ने बुलाया विनोद को, बोला इधर आओ और मेरे दोस्तों से मिलो और मुझे हेल्प करो ये लोड उठाने घर ले जाने के लिए। तो उसने कहा, नहीं माँ, मैं कोई लेबरर नहीं हूँ, मैं कोई मजदूर नहीं हूँ, मैं तो टॉपर हूँ स्कूल का, टॉपर्स ऐसा सब काम नहीं करते, लोड नहीं उठाते। उस यही कहते हुए वो आगे बढ़ गया और वो अपने अचीवमेंट के बारे में, अपने सफलता के बारे में या कुछ उसने हासिल किया होगा उसके बारे में बात करते चला गया, जो अपनी माँ को छोड़ के चला गया। और उसकी माँ के पास बोलने के लिए शब्द नहीं था, स्पीचलेस का मतलब होता है बोलने के लिए शब्द नहीं। नाउ इन दिस पैराग्राफ व्हाट इज सेइंग आई विल एक्सप्लेन। जब वो सब आगे जा रही थी तब उन्होंने देखा कि मोहन जो शमा का लड़का था कुछ पक्षियों को खिला रहा था। ठीक है, जब उन्होंने देखा उस समय पर, जब उसने देखा कि उसकी माँ आ रही है तो भागते हुए अपनी माँ के पास गया और उसने जो उसकी माँ लोड उठाई थी, जो कपड़े का था लिया कपड़ा जो उसकी माँ ने धो के लेके आ रही थी, वो लोड उसने देखा, उसने उठा लिया। फिर उसने कहा कि फिर उठाने की कोशिश उठाने जा के लिए भागा था वहाँ। फिर उसने देखा कि उसकी माँ के साथ मीरा और लक्ष्मी आंटी भी आ रही है, तो उन्होंने उनके चरण छुए और उनको नमस्कार किया। उसने लोड उठाने उनका भी लोड कर उठाने के लिए जिद करने लगा कि मैं आपका ये सामान उठा लेता हूँ आप। तो जब मीरा और लक्ष्मी उसको देखते रह गए तो उनको समझ में आया कि
उनसे क्या छूट गया एजुकेशन और उनके क्या छूट गया अपने बच्चे के संस्कार में। तो बाद में आखिर में उनको पता चला कि सच्चे शिक्षा का मतलब होता है कि अच्छे से पढ़ाना नहीं, अच्छा पढ़ाई, अच्छे से एजुकेटेड होना चाहिए, अच्छा विद्वान होना चाहिए और एक अच्छा बच्चा भी होना चाहिए अपने माता पिता का, जो अच्छे संस्कार हो उसमें और वो सभी का आदर करे। ठीक है, दिस इज़ द होल चैप्टर इज़ अबाउट आवर ट्रू एजुकेशन वेयर थ्री वुमेन्स आर वॉचिंग द क्लोथ, आफ्टर दैट दे आर मीटिंग देयर चाइल्ड एंड हु इज़ बिहेविंग एरोगेंटली दैट ही इज़ एजुकेटेड, ही विल नॉट डू दैट टाइप ऑफ वर्क एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा and they don't give respect to the to their mothers. So and the next one, third one, who is studying in the village, and he suddenly went to his mother, saw that her mother is carrying a load of cloth, and he gone to help her. He insisted to both the women that I will carry your load also, okay, and respected them, touched their feet, greeted them. Then the woman understood in the last what is the real meaning of true education. Okay, true education means you should be well-mannered with everyone and respect everyone and help to everyone. Okay, thank you. This was about the whole chapter about true education. Now I will send you the notes and you have to write over there. Okay, thank you.